ट्रांसफर रैकेट डिटेक्ट हुआ, जिसमें टोटल 5 करोड़ कैश, 2 कार और 1 बाइक का भी इन्वॉल्वमेंट है। 26 अगस्त को टास्क फोर्स वेस्ट जोन के तरफ से ये 7 लोगों को पकड़ा गया, जिनके पास से ये कैश, 5 करोड़ कैश, 1 मारुति सुजुकी कार, 1 हुंडई एक्सेंट कार, 1 होंडा एक्टिवा बाइक का भी रिकवरी हुआ है। इस पूरे ऑपरेशन में जो रिस्पोंडेंट्स हैं उसमें विपुल कुमार पटेल, जो पाटन तालुक और डिस्ट्रिक्ट गुजरात के रहने वाले हैं, और उनके साथ शैलेश भाई, राजेश रमेश भाई पटेल, उपेंद्र कुमार पटेल, पटेल चेतन कुमार, ये लोग सब मोस्टली गुजरात के रहने वाले हैं, इनके पास से ये रिकवरी हुआ है। ये पूरा ऑपरेशन जुबली हिल चेकपोस्ट के पास हुआ, और ये इलीगल मनी ट्रांसफर का जो चेन है, ये एज पर रूल, एज पर रेगुलेशंस, हम लोग इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को हैंड ओवर करेंगे, और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इसको पूरा फ्लो, कब कैश विड्रॉ हुआ, कहाँ से विड्रॉ हुआ, किसके पास जाना है, ये लोग सब उसका पता करेंगे। इस सिलसिले में हमारे DCP टास्क फोर्स राधा किशन राव और उनके लीडरशिप में इंस्पेक्टर बी गट्टू मल्लू, सब इंस्पेक्टर ऑफिसर बी दुर्गा राव, पी मल्लिकार्जुन, एल भास्कर रेड्डी, मुजफ्फर अली और वेस्ट जोन की पूरे टीम ने ये बहुत लाजवाब काम किया है। इसके लिए पूरे सिटी पुलिस के तरफ से हम लोग उनका इस्तकबाल करते हैं। ऐसे मौके पे आज गणेश के बारे में भी कुछ आप लोगों से बात करना चाहते हैं। जैसा कि आपको मालूम है, गणेश बंदोबस्त सिटी में एक बहुत बड़ा बंदोबस्त रहता है, और हर साल की तरह हम लोग इस बार भी लगभग 20,000 से 21,000 पुलिस ऑफिसर्स का डिप्लॉयमेंट इस पीरियड में करेंगे। मीडिया के तरफ से पब्लिक को खास करके हम एक अपील करते हैं कि आज की तारीख में जब हैदराबाद एक इंटरनेशनल शहर, एक इंटरनेशनल बिजनेस डेस्टिनेशन, एक इंटरनेशनल नेम हैदराबाद को मिला है, तो आपकी और हमारी एक जिम्मेवारी है कि हम हैदराबाद को स्वच्छ रखें, साफ रखें, इको फ्रेंडली रखें। और इस सिलसिले में गणेश एक बहुत अच्छी चीज़ मानी जाती है। हर अच्छी चीज़ की शुरुआत गणेश की वंदना से होती है, तो आज हम आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि एक इको फ्रेंडली गणेश की शुरुआत करें। हमारे शहर से अगर आप मोहब्बत करते हैं, अपने एटमॉस्फेयर से आप मोहब्बत करते हैं, तो आप केवल इको फ्रेंडली गणेश को यूज़ करें, छोटा गणेश को यूज़ करें। गणेश के प्रति श्रद्धा, गणेश के प्रति सम्मान, गणेश के प्रति पूजा उनके साइज से नहीं होता है। वो श्रद्धा और पूजा आपके दिल के अंदर होनी चाहिए और उससे उनको पूजा होनी चाहिए। तो मैं सबसे अनुरोध करता हूँ कि छोटा गणेश रखें, इको फ्रेंडली गणेश रखें, और साफ पानी में अपने घर में भी आप उसका इमर्शन कर सकते हैं। उसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है 10 किलोमीटर दूर जाना, आप अपने घर में ही बिल्कुल स्वच्छ और साफ पानी में गणेश का इमर्शन करें। मुझे पूरा यकीन है कि गणेश भगवान बहुत खुश होंगे इससे। हम लोग डिपार्टमेंट के तरफ से हर जगह वॉलंटियर्स के लिए हम लोग तलाश कर रहे हैं। ऑलरेडी करीब 8,000 से 9,000 वॉलंटियर्स आने की उम्मीद है। हर मंडल पे, हर मंडप पे कम से कम 10 से 15 वॉलंटियर्स जो कि लोकल वहाँ के रहेंगे, पुलिस डिपार्टमेंट के साथ मिलकर सुबह से शाम तक और रात तक ड्यूटी करेंगे। ऐसे मौके पे सेफ्टी और सिक्योरिटी एक बहुत बड़ी चीज़ है। इतना बड़ा मोबिलाइजेशन में हर बुज़ुर्गों के, हर परिवार की एक जिम्मेवारी है कि उनके बच्चे सेफ रहें। इसलिए लॉरी पे ज़्यादा ओवरलोडिंग नहीं करें, अननेसेसरी एक्साइटमेंट में चोट लगने की चांस रहती है, तो इन सब बातों का ध्यान दें। हर जगह CCTV कैमरा हम लोग अपने तरफ से भी लगा रहे हैं, और जहां पंडाल है वहां पंडाल के ऑर्गेनाइजेशंस के तरफ से भी सबसे अपील कर रहे हैं कि आप लोग पंडाल के पास CCTV लगाइए और आने वाले जाने वाले एरिया में भी लगाइए। हर गणेश पंडाल का एक पुलिस ऑफिसर, लियाजन ऑफिसर रहेगा, जिनका फ़ोन नंबर लोकल ऑर्गेनाइजर्स, पंडाल ऑर्गेनाइजर्स के पास रहेगा। जैसा आप लोग जानते हैं, ईश्वर की भक्ति साउंड पॉल्यूशन के साथ नहीं हो सकती है।
भक्ति एक ऐसी चीज है जो कि शांति से करनी चाहिए। इसीलिए मैं सबसे अनुरोध करता हूं कि ऐसे मौके पे बड़े बड़े स्पीकर डीजे स्पीकर नहीं लगाएं। डीजे लगाने से भगवान खुश नहीं होते हैं, भगवान आपकी भावना को देखते हैं। तो अपनी भावना से आप पूजा कीजिए, डीजे से पूजा मत कीजिए। डीजे इज बैंड एंड डीजे वी विल नॉट अलाउ एनीवेयर। लॉरी के ऊपर ओवरलोडिंग भी नहीं करें जिससे कि चोट लगने की चांसेस ज़्यादा रहती है। ऐसे मौके पे कभी कभी हम लोग को कंप्लेन मिलता है कि चंदा के नाम पे लोग ज़बरदस्ती पैसा कलेक्ट करते हैं। अगर ऐसा कोई आपको कोई ज़बरदस्ती डिमांड कर रहा है तो आपसे मैं अनुरोध करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि आप लोग डायल 100 पर फ़ोन करें और हम लोग ज़रूर सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। इसके साथ अपने तरफ से रूफटॉप का डिप्लॉयमेंट और गाड़ियों के स्मूथ मूवमेंट के लिए हैदराबाद के पूरे 5 जोन नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट और सेंट्रल सभी की गाड़ियों को अलग कलर कोडिंग दिया जाएगा और ख़ास करके साइबराबाद और राजकोंडा से जो गाड़ियां आ रही हैं उनके लिए भी अलग से कलर कोडिंग होगा। इसके बाद जो निमज्जनम पॉइंट है जहाँ हम लोग पिछले साल बहुत सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट करे और मीडिया के मदद से उसको काफ़ी अच्छा पब्लिसिटी मिला जिससे पब्लिक भी बहुत खुश हुए, ये ऑटोमेटिक रिलीज सिस्टम जो हुक का यूज़ था वो हम लोग ऑलरेडी इस बार भी यूज़ करेंगे। और क्रेन की मदद से जो इम्पॉर्टेंट निमज्जनम पॉइंट है जैसे NTR मार्ग, टैंक बंद, मीर आलम टैंक, राजन्ना बौली, ऑपोजिट किम्स हॉस्पिटल मिनिस्टर रोड और एराकुंटा टैंक शेखपेट गोलकुंडा PS लिमिट में, ये हर जगह हम लोग स्पेशल अरेंजमेंट किए हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं गणेश एक चैलेंज है और इस चैलेंज में हम लोग पब्लिक के कोऑपरेशन से हर बार इसको करते हैं और इस बार भी हम पूरी पब्लिक कोऑपरेशन की उम्मीद रखते हैं।